हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय जैस्मिन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। और आज है मेरी देवर की हल्दी, तो हम सब जा रहे हैं तैयार होने के लिए। लगभग 4 बज चुकी, अभी तक कोई भी रेडी नहीं हुआ है। मैं जा रही थी तैयार होने के लिए, तो ये फिलहाल तो मैं ऐसा नॉर्मल सा सूट पहनी हुई थी, और अभी मैं जा रही हूँ अपना प्योर सा येलो एंड रेड साड़ी पहनने के लिए। और नीचे काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो बस चलिए रेडी हो जाते हैं। अलियान को मैंने रेडी कर दिया और वो सोया हुआ है, तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ जो जो होता है। सो बने रहिए आगे ब्लॉग्स में। सो गाइस, तैयार होने के बाद मैं डायरेक्टली नीचे आ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और कुछ लोग जो है हल्दी भी लगा चुके थे, यानी हल्दी का जो रिचुअल था वो स्टार्ट हो चुका था। तो बस मैं फ़ौरन से जो है नीचे आई, और इस बीच मैंने आपको अपना ड्रेस भी नहीं दिखाया। तो आज मैंने एक जो है रेड एंड येलो साड़ी पहना था, जो कि मुझे मेरी भाभी की अम्मी ने गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही प्यारा साड़ी था। और कोइंसिडेंटली जब मैं नीचे आई, तो मैंने देखा कि मेरी नंद के साथ मेरा साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ने ट्विनिंग किया हुआ है, बट बिल्कुल भी ये कुछ ऐसा प्लानिंग वगैरह नहीं था, कोइंसिडेंटली ये चीज़ हुआ था। सो गाइस, काफ़ी कम टाइम में जो है हल्दी का जो रिचुअल था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि काफ़ी कम लोग आए हुए थे। एंड एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ इनविटेशन, इतना कुछ तामझाम नहीं हो रहा है, बहुत ही सिंपल वे में शादी हो रहा है। देर इज़ लॉट्स ऑफ रीजंस, तो बस वो उस रीजंस को नज़र में रखते हुए जो है काफ़ी सिंपल वे में शादी हो रहा है। इस तरह से मतलब इस इतना सिंपल वे में ससुराल में मेरी शादी नहीं होती है। यहाँ पर शादी में काफ़ी रौनक होती है, बट इसमें इतना रौनक नहीं था। एंड मेरे मायके में भी टोटली डिफरेंट वाइब होता है। कैसे नीमकी छिपा कर घूम रही है? देखिए बड़ की माँ, देखिए दो नीमकी चोरी कर रही हूँ। तो गाइज, ये है मेरी बड़ी सास, यानी दूल्हे राजा की मम्मी। सो उसके बाद मैं घर आ गई थी, और अलियान अभी भी सो रहा था। गाइज हल्दी हो चुकी है, अच्छे से सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब बस मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। नीचे काम भी बहुत है, डिनर बनाना है, और अभी मिलाद होने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले डिनर बना लेती हूँ इस बीच में, उसके बाद इन्जॉय करेंगे सबके साथ। और वैसे ज़्यादा गेस्ट आए नहीं हैं, कुछ है रीजन्स, तो बस जो भी हैं हम सब इन्जॉय करेंगे। और अलियान अभी भी सोया हुआ, फिर वो उठेगा तो उससे मुझे शाम का नाश्ता करवाना है, तो काफ़ी काम है। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। एंड मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर से बताना, कैसी लग रही हूँ। ये देखिए मैंने कितना प्यारा सा चूड़ी भी पहना हुआ है। आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हल्दी के बाद मिलाद क्यों हो रही है। तो सच में मुझे भी समझ में नहीं आया कि हल्दी के बाद मिलाद क्यों हुई, बट मेरे ससुराल में ये चलता है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नात पढ़ रहे थे। एंड गाइज, डिनर वगैरह करने के बाद हम सब फ्री हो चुके थे, और अब एक रिचुअल स्टार्ट होने लगी थी सेम डे नाइट में, कि आपको जो है दूल्हे की मम्मी को गिफ्ट करना है, और इसे ये लोग मांझा कहते हैं। बट हमारे मायके में इट्स टोटली डिफरेंट, हमारे यहाँ आय बड़ो भात होता है, बट यहाँ पे ये खीर खिलाई एंड मांझा समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं। तो जो भी है, तो फिर ये बड़ी मम्मी थी यानी दूल्हे की मम्मी, और इनको मैं जो है यहाँ पर बैंगल्स पहना रही थी, क्योंकि वो साड़ी किसी और का पहन चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना बैंगल्स पहना दो। तो बस यहाँ पे मैं बैंगल्स पहनाने लगी थी, बट मैंने देखा उनका हाथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, मैं इतना कोशिश करी चूड़ी डालने की, वो अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर अप्पी ने मुझे हेल्प किया, और उसके बाद ही जो है चूड़ी उनके हाथ में गया। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm.
सो गाइज अब यहाँ पे एक रिचुअल स्टार्ट होने वाली थी, वो थी खीर खिलाई की। तो तब तक मैं जो है यहाँ पे आप ही को मेहंदी लगाने लगी थी। अब बाय द वे दिस कोन इज़ फ्रॉम मैजिक स्टेन, अगर आप रानीगंज से हो तो मस्ट बाय दिस कोन। मुझे इसे यूज़ करके समझ में आया कि ये इतना अच्छा क्यों है। सच में बता रही हूँ, अगर आप अपने स्पेशल ओकेशंस को बहुत स्पेशल बनाना चाहते हो देन मस्ट बाय दिस कोन्स फ्रॉम मैजिक स्टेन। मैं यहाँ पे डाल दूँगी इंस्टाग्राम आईडी है इनका, आप ज़रूर से उन्हें फॉलो करें और ज़रूर से है मेहंदी बाय करें। और बहुत अच्छे इनके नेल कोन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मैंने खुद पर्सनली ये नेल कोन्स एंड मेहंदी कोन्स सारे ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक 5/5। भूख लगी से सुन ले, पूरा खत्म कर यार। सो गाइज मीट आयशा, ये है मेरी बहन की बेटी। और इतना प्यारा डांस किया ना अचानक से इसने, मतलब सब शॉक्ड हो चुका और पूरा वाइब भी चेंज हो गया। एंड मैं ना चाहकर भी जो है म्यूज़िक ऐड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट ट्रस्ट मी गाइज अगर आप म्यूज़िक के साथ देखोगे ना तो इतना मज़ा आएगा ना आपको। एंड गाइज आयशा मेरा व्लॉग्स इतना ज़्यादा देखती है ना, सो दिस इज़ फॉर यू आयशा, तुमने बहुत अच्छा डांस किया था मेरी जान, तुमने तो पूरा महफिल जमा दिया था, बहुत प्यारा लग रहा था सच में, बहुत अच्छा डांस करती हो तुम, खाला मा लव्स यू मेरा बेटा। एंड गाइज उसके बाद घर के थोड़े छोटे छोटे और बड़े बड़े बच्चों ने भी जो है थोड़ा महफिल को जमाया, और कुछ ज़्यादा महफिल नहीं जमा था पर जितना भी जमा था हमारे लिए इनफ था। और यहाँ देख सकते हैं आप कि इन दोनों बच्चों को इतना खौफ हो रहा था कि ये सब डांस करते करते हमारे ऊपर ना गिर जाए। खैर उसके बाद जो है अलियान उठ चुका था और फिर मैं जो है चली गई थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग एंड आई होप आप सबको ये छोटा सा हेल्दी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने किया। एंड बींग अ बहू मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रॉपरली शूट, तो कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना। एंड गाइस काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, और आप अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने पसंदीदा इंसान के साथ ये वीडियो को खूब शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।